अब ना जाने फिर किससे मोहब्बत होगी, अब ना जाने वो दूसरा कौन आएगा जो धोनी जैसा होगा, अब ना जाने वो दौर कब आएगा जब फिर कोई कैप्टन कूल कहलाएगा, जो क्रिकेट के हर फॉर्मेट का शहंशाह होगा। ना जाने क्रिकेट क्यों अब अधूरा सा लगने लगा है। धोनी के संन्यास के बाद ऐसा ही लग रहा है जैसे क्रिकेट तो इससे पहले कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा पहले एक बार ही लगा था जब सचिन ने रिटायरमेंट ली थी। शख्सियत जिसकी तारीफ की मोहताज नहीं, किस्मत जिसकी रहनुमाई की मोहताज नहीं, गेंद जिसके हुक्म पर मैदान के चारों ओर नाचती थी, मैदान जिसके हौसले के आगे हार जाते थे, विरोधी जिसके नाम से कांप उठते थे, धोनी उसी का तो नाम था। एक छोटे से शहर का मिडिल क्लास लड़का क्रिकेट का कैप्टन कूल कैसे बन गया? हजारों लाखों जहन में जिगरा पैदा करने वाली कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 1981 से। ये वो तारीख थी जब धोनी दुनिया में आए। धोनी के पिता पान सिंह धोनी सीसीएल यानी सेंट्रल कोल फील्ड में एक मामूली नौकरी करते थे, लेकिन धोनी को मामूली बनना कहां मंजूर था। पहले पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी के जद्दोजहद की, नौकरी मिली तो क्रिकेटर बनने की जद्दोजहद की। कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, और धोनी ने यही कर दिखाया। 23 दिसंबर 2004 को इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का पदार्पण हुआ, और सिर्फ 15 सालों में क्रिकेट की हुकूमत के सरताज कैसे बन गए पता ही नहीं चला। इंडियन क्रिकेट में उनके जैसा कप्तान इससे पहले कभी नहीं हुआ। धोनी के एक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। धोनी ने अपने पूरे करियर में 90 टेस्ट मैच, 350 वनडे इंटरनेशनल और 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। धोनी ने 538 मैचों में 17,000 से ज्यादा रन बनाए, 16 शतक लगाए, 108 अर्धशतक लगाए, 359 छक्के लगाए। धोनी की अगुवाई में 33 ICC ट्रॉफी जीतने में टीम इंडिया कामयाब रही। वनडे के 200 मैचों में धोनी की कप्तानी में भारत ने 110 मैच जीते, यानी जीतने का स्ट्राइक रेट 60% के आसपास रहा। धोनी की अगुवाई में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते, 1 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने धोनी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से ही जीता था। 2011 में भारत ने 28 सालों बाद वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और यह भी धोनी के नेतृत्व का ही नतीजा था। दुनिया के ऐसे पहले क्रिकेटर धोनी बन गए जिसने कैप्टन रहते हुए अपनी टीम को सबसे ज्यादा T20 मैच जिताए। 322 इंटरनेशनल मैच में धोनी ने 195 स्टंपिंग की, 183 का हाई स्कोर बनाया। 2007 से लेकर 2016 तक यानी 6 बार सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले प्लेयर बने। हार्ड मांस का देह देखते देखते रिकॉर्ड मशीन बन गया। 2007 में उनकी उपलब्धियों की वजह से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। 2008 और 9 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2009 में पद्मश्री मिला और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेले जिसमें 144 इनिंग में 4,887 रन बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 224 रनों का रहा। तकरीबन 350 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें 297 इनिंग थी और 10,773 से ज्यादा रन थे। हाईएस्ट स्कोर 183 का रहा। धोनी ने 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जिसमें 37 की औसत से 1,617 रन बनाए और 126 की स्ट्राइक रेट रही। 131 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 317 T20 मैच और लिस्ट ए के 423 मैच। धोनी जब भी मैदान पर उतरे अपनी छाप छोड़ते गए। साल 2004-05 में विशाखापट्टनम में उनकी 148 रनों की पारी आज भी लोगों को याद है। ऐसा लगता है कल की ही तो बात है जब पाकिस्तानी पानी मांगने लगे थे, धोनी से रहम की भीख मांगने लगे थे। साल 2005-06 में जयपुर में श्रीलंका के खिलाफ दिवाली से पहले जो महेंद्र सिंह धोनी ने दिवाली तोहफा दिया उसे भी लोग भूल नहीं पाए, और उसी वक्त धोनी ने अपना 183 रनों का हाईएस्ट स्कोर बनाया। 2005-06 में फैसलाबाद के पिच पर जब धोनी उतरे तो पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तानी प्लेयर पसीने से भींग गए। मैदान के चारों तरफ धोनी ने छक्के छुड़ा दिए। हालत ऐसी हो गई कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट खुद
धोनी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी महेंद्र सिंह धोनी के बालों के स्टाइल पर लट्टू हो गए। धोनी के आईपीएल रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है, लेकिन आईपीएल रिकॉर्ड बताए उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि चेन्नई सुपर किंग्स की कैसे तकदीर लिखते आए हैं महेंद्र सिंह धोनी। साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, साल 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स विजेता बनी, साल 2011 में भी आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के नाम रही और ये सब कमाल महेंद्र सिंह धोनी का रहा। 2012 में चेन्नई रनर अप रही, 2013 में भी रनर अप का खिताब मिला, 2015 में भी चेन्नई रनर अप रही और 2018 में धोनी ने फिर चेन्नई को विजेता बना दिया। 2019 में किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए चेन्नई को फिर रनर अप रहना पड़ा, यानी धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत बन चुके हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी भले ही मैदान से दूर चले गए, लेकिन क्रिकेट उनके बिना अधूरी है। एमएस, आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप पल दो पल के शायर नहीं। आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी कहानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है, आप हर एक पल के शायर हैं। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वॉज नॉट ओनली अ गुड बैट्समैन और वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, आई थिंक इफ यू लुक एट हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, ही वॉज एन ऑलराउंडर, फ्रॉम अ विकेट कीपर टू अ बैट्समैन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन एज वेल। आई थिंक ही हैज़ गिवन कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स द इंडियन क्रिकेट। I wish him good luck for his future endeavors. His fans will miss him, but I think it's the time to give opportunity to the young players to come and play for Team India. Suresh Raina ne bhi aaj hi sanyas liya hai, unhone bhi bahut contribution apni aur se Bharatiya cricket ke liye ki hai, to Mahendra Singh Dhoni aur Suresh Raina dono ko hi sanyas lene par aur cricket se sanyas liya ho sakta hai antarrashtriya cricket se, लेकिन भविष्य में वो कुछ भी करना चाहें उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील किया है कि महेंद्र सिंह धोनी का एक फेयरवेल मैच रांची में करवाया जाए, इस पे आपका क्या है? बहुत ही अच्छा, उनका जो सोच है बहुत ही अच्छा है और एक बार फिर इस तरह से हम उनको बधाई देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी वो राज्य के मुखिया तो है ही हैं और खेल मंत्री भी हैं, तो जिनके कारण ये जो डिसीजन है उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं चाहूँगा बीसीसीआई भी इस पर अमल करे और रांची में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच हो जिसमें एक बार फिर रांची को या झारखंड के लोगों को धोनी को उत्साह बढ़े। और मैं एक बार इसके अतिरिक्त एक बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार राज्य के मुखिया और खेल मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी राज्य में खेल नीति लागू करने जा रहे हैं, उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।